हाँ तो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बस बैठे बैठे मूड हुआ कि कोई सैलड बनाते हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। बगैर किसी फॉर्मेलिटीज के एक सैलड ट्राई करते हैं। छोटा सा गोल मटोल सा एप्पल लेके हाफ कर लिया है और अब थोड़ा सा पीस हमने क्यूकम्बर का ले लिया है, उसे भी हम क्यूब्स में काट लेंगे। एप्पल और क्यूकम्बर चॉप करके रख लिए। अब हम प्लम ले लेंगे और प्लम को भी हम क्यूब्स में काट के रख देंगे। उसके बाद अब हम मेलन ले लेंगे और मेलन को भी हम स्लाइस करके उसके पीसेस कर लेंगे और चॉप करके साइड पे रख देंगे। पील ऑफ करने वाले फ्रूट्स टाइम गेनिंग होते हैं, लेकिन होते बड़े मज़ेदार हैं और टेस्ट में तो बहुत ही बेस्ट होते हैं। कोई बात नहीं, मेहनत करके जो चीज़ बनाई जाती है उसे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और बस हमें तो मज़ेदार सैलड खाने से मकसद है, जो भी फ्रूट मिल जाए। तमाम फ्रूट चॉप हो चुके हैं, अब हम बोल में तमाम चीज़ें ऐड कर लेंगे जो भी चीज़ें हैं। बस ऐसे ही कभी कभार बैठे बैठे मूड हो जाता है कुछ डिफरेंट बनाने का, तो आज यही चीज़ समझ आ रही है। हल्का सा मिक्स करेंगे और 2 टेबल स्पून के करीब मायो डाल लेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लेमन ड्रॉप्स डाल लें 2 टेबल स्पून के करीब। पाइनएप्पल है चॉप्ड कैंड, वो भी डाल लें। थोड़ा सा नमक रखा हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेवरी और क्रंची टेस्ट चाहिए सैलड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर सैलड को देखकर खाने का मूड कर रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी मेहनत का फल मेरा सैलड तो तैयार हो चुका, अब मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।